प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर वही बीए भाग दो सेकंड पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा में अगला भाग। चैप्टर आप लोगों का वही है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे, ये हम लोग पढ़ेंगे भाग छः। ठीक है, भाग छः बच्चों, ये कौन सा खतरा है? बाहरी खतरा या बाह्य देशों से खतरा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, हम लोग इसमें भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आगे हम लोगों को जो पढ़ना है उससे हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए पहुंचते हैं इसमें, अगला जो राष्ट्र है बच्चों वो है नेपाल, भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल। चलिए नेपाल के बारे में भी हम पहले जान लेते हैं बच्चों। नेपाल का जो है प्रारंभ से लेकर अभी 2001 तक नेपाल में राजशाही शासन था। ठीक है, राजाओं का शासन था। ठीक है, जिसका जो है हमारे यहाँ के ब्रिटिश सरकार से बहुत ही अच्छे संबंध बने रहे हैं, और आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, जो कि 2001 में अचानक जो है राजशाही हत्याकांड में संपूर्ण राजवंश का सफाया हो गया। उसके बाद वहाँ राजवंश में तत्कालीन महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह राजा बनाए तो गए, लेकिन बहुत दिनों तक वह चल नहीं पाए और शीघ्र ही मुसीबतों में घिर गए। वहाँ पर जो माओवादी पार्टी और इन सभी ने इनको सत्ता से बेदखल करके वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है, राजतंत्र की समाप्ति हो चुकी है और प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है। चलिए नेपाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ कहाँ से कब कैसा कैसा खतरा हो सकता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेपाल जो है ये एक पहाड़ी राज्य है जिसकी भारत से सीमा जो है लगभग 1600 किलोमीटर मिलती जुलती है, 1600 किलोमीटर भारत से सीमा लगी हुई है, और भारत एवं चीन के बीच ये एक अंतस्थ राज्य या बफर स्टेट की स्थिति और भूमिका को निभाता है बच्चों। ये एक स्थलबद्ध राज्य है, अर्थात इसकी सीमाएँ जो है चारों तरफ से थलीय सीमाएं हैं। ठीक है, प्रारंभ थलीय सीमाएं हैं इसकी, और भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में ये बफर स्टेट की भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, और प्रारंभ से लेकर 2001 तक नेपाल में राजशाही शासन रहा, और इस काल में भारत के साथ इनके अच्छे संबंध बने रहे। ठीक है बच्चों, और ब्रिटिश काल से ही नेपाल गोरखा भारतीय सैनिकों में भर्ती किए जाते थे, यानी नेपाल नहीं बच्चों, ये नेपाली है। ठीक है, ब्रिटिश भारत काल से ही नेपाली जो गोरखा सैनिक होते थे भारतीय सेना में भर्ती किए जाते थे। ठीक, और नेपाल की सुरक्षा भी भारतीय सेना ही करती थी, नेपाल में भारतीय सेना ही रहती थी, उसकी सुरक्षा भी वही करती थी। इतना ही नहीं, भारत और नेपाल के बीच एक खुली सीमा थी, बेरोक टोक कोई भी इधर से उधर आ जा सकता था। ठीक है, बिना रोक टोक के कोई इधर से उधर आ जा सकता था, ऐसी कोई प्रतिबंध ऐसा कोई नहीं था, नेपाली भारतीय, भारतीय नेपाली। ठीक है बच्चों, कोई भी इधर उधर आ जा सकता था। ठीक, कहने का मतलब अब इसका जो है खुली सीमाएं थी बच्चों, शुरुआत में तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए 2001 में राजशाही हत्याकांड हुई, राजशाही हत्याकांड हुआ जिसमें नेपाल नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की सपरिवार हत्या हो गई। उसके बाद राजशाही में अस्थायित्व नहीं रहा, हालांकि उसके बाद जो है इनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को राजा बनाया गया था, लेकिन शीघ्र ही जो है सत्ता माओ समर्थित माओवादियों के हाथ में चली गई बच्चों, और वहाँ पर राजशाही को हटाकर अब जो है क्या बोलते हैं, अब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है बच्चों। देखा जाए तो ये माओ सपोर्ट जो है ये तत्कालीन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की देन थी, महेंद्र वीर विक्रम शाह की देन थी, जिन्होंने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाकर माओवादियों को अपने राज्य में प्रवेश करने का मौका दिया, चीनी राजनीति में प्रवेश करने का मौका इन्होंने माओवादियों को दिया, जो कि आगे चलकर इनके जो है बर्बादी का कारण बना, क्योंकि माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड, ठीक है बच्चों, उस समय
नेपाल की राजनीति में काफ़ी हद तक सक्रिय रहे और अंत में कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री भी रहे नेपाल की नेपाल में। ठीक है, चलिए। नेपाली सत्ता चीन समर्थित माओवादियों या कम्युनिस्टों के हाथ में आ गई। चीन पहले से ही नेपाल में अपनी जड़ें जमाना चाहता था। उसने नेपाल में अवैध घुसपैठ कर माओवादी आंदोलन को शक्तिशाली बनाया। ठीक है बच्चों, और वर्तमान नेपाल में राजशाही समाप्त हो चुकी है, प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है और सत्तावादी सत्ता पर माओवादी काबिज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अब भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा भी खतरे से खाली नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में नेपाल से भारत को कोई खतरा नहीं है, परंतु नेपाल के रास्ते खुली सीमा से होकर भारत के पड़ोसी शत्रु भारत में प्रवेश कर सकते हैं और बहुत सी घुसपैठ हो भी रही है। इतना ही नहीं बच्चों, अभी देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत पर बमबारी भी कराई थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, नेपाली सेनाओं ने भारतीय सेनाओं पर अटैक किया था, जैसा कि भारत नेपाल के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। कहने का मतलब वही है, या तो किसी और का हाथ इसके सर पर है या इसके कंधे पर कोई बंदूक रख के इससे चलवा रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी हमें नहीं लगता कि नेपाल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, वो भी भारत जैसे राष्ट्र से, भारत जैसे मित्र राष्ट्र से, भारत जैसे ताकतवर राष्ट्र से इतनी बड़ी दुश्मनी वो मोल लेगा। कहने का मतलब बच्चों कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक अभी तक खुली सीमाएँ थी, अब प्रजातंत्र की स्थापना में जहाँ पर चीन का सपोर्ट काफ़ी हद तक कम्युनिस्टों के हाथ में है, ऐसी स्थिति में खुली सीमा जो है ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए, यही हमारा भारत और नेपाल के साथ खतरा है, या भविष्य में हो भी सकता है कि चीन जो है नेपाल का इस्तेमाल, वो नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल हो सकता है भारत के लिए करे, कर सकता है घुसपैठ या फिर आक्रमण के लिए भी प्रयोग कर सकता है। ये तो उनकी गुप्त फंदियां और गुप्त नीतियां ही बता सकती हैं। ठीक है बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अब खुली सीमाएँ खतरे से खाली नहीं हैं भारत और नेपाल के बीच। चलिए, अगला जो राष्ट्र है बच्चों पड़ोसी, वो है भारत का वर्मा या म्यांमार, जिसे हम लोग कहते हैं। पहले इसका नाम वर्मा था, आज के समय में इसका नाम हो गया है म्यांमार। ये जो है पूर्वी सीमा पर स्थित है भारत के। भू स्ट्रैटेजिक स्थिति इसकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत म्यांमार के बीच संबंध बहुत ही अच्छे हैं, मधुर भी हैं, और चीन सदा म्यांमार में अपना प्रभुत्व बढ़ाकर भारतीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रयत्नशील भी रहा है। और वर्तमान म्यांमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीन कभी भी म्यांमार को अपने सैन्य बल एवं अन्य तरीकों का प्रयोग करके अपने प्रभाव में ले सकता है। भारत और म्यांमार की स्थिति यही है बच्चों कि ना तो भारत को ना ही म्यांमार को एक दूसरे की ओर देखने का समय है। कहने का मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। अच्छे संबंध बने हैं, अच्छे ही रहेंगे। बौद्ध कंट्री है म्यांमार, अच्छी बात है। लेकिन वही है कि एक दूसरे के मामले में कभी भी कोई टांग अड़ाने का ना तो भारत के पास समय है ना ही म्यांमार के पास। हालांकि भारत तो वैसे भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन जो है म्यांमार भी उसी कैटेगरी में है, उसको भी भारत की ओर देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, फिलहाल स्थिति सामान्य ही है, लेकिन चीन का प्रभाव हो इसके पहले ही भारत को सावधान रहना चाहिए कि चीन के प्रभाव में म्यांमार ना जाने पाए, नहीं तो खतरा और ज़्यादा बन जाएगा। फिलहाल अभी तक तो कोई खतरा नहीं है। अगला राष्ट्र है बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका में देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका से। श्रीलंका से हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, श्रीलंका से व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो राम रावण के समय में थी। ठीक है बच्चों, जब भगवान राम ने अटैक किया था लंका पे। चलिए, फिलहाल वर्तमान समय कुछ दूसरा ही है। वर्तमान जो विवाद है श्रीलंका और भारत के बीच में, वो सिर्फ तमिल और सिंघली को लेकर है। तमिल विवाद, जो कि भारतीय मूल के हैं, और सिंघली श्रीलंकाई मूल के हैं। इन दोनों के बीच का विवाद, इन दोनों के बीच में संघर्ष, यही भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है, क्योंकि भारतीय मूल के तमिलों को श्रीलंका में अंग्रेजों ने ले जाकर बसाया था।
लेकिन बाद की स्थिति क्या हुई, अंग्रेज भारत के साथ जो है श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के बाद जो है तमिलों के साथ वहाँ पर तमिल तो बेचारे यहाँ से भी बेघर हो गए, तमिलनाडु से भी, भारत से भी, अब वहाँ से उनकी गवर्नमेंट जो है उनको बेघर बना रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में विवाद होना, दोनों के बीच में खूनी संघर्ष होना स्वाभाविक था, ठीक है। ये भी अंग्रेजों की ही देन थी जो यहाँ पर विवाद ये पैदा हुआ। अगर वो ना लेकर गए होते अपने स्वार्थों के लिए तो आज ये शायद विवाद नहीं हुआ होता, बेचारे तमिल अपने तमिलनाडु में रहकर या भारत में रहकर ही खुश रहते, ठीक है। चलिए, भारत के साथ श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। श्रीलंका की राजधानी में 74% सिंघली एवं 18% तमिल एवं 8% अन्य जातियाँ हैं, ठीक है बच्चों। तो 18% जो तमिल हैं इन्हीं के साथ भेदभाव भारत और जो है श्रीलंका के विवाद का मुख्य कारण है। तमिल सिंघली विवाद ये किसके प्रश्न पर है, खास करके नागरिकता के प्रश्न पर। अब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है तमिलों को नागरिकता नहीं देना चाहती, अनागरिकता देती भी है तो सिंघलियों के साथ उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ के मूल नागरिकों के प्रति जो है एक प्रकार का भेदभाव तो खैर नहीं होगा लेकिन उनकी जो है हितों का नुकसान हो सकता है। और यही विवाद तमिल संगठन लिट्टे एवं सिंघली संगठन पैरामुना के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। काफ़ी हद तक लिट्टे के हेड कौन थे बच्चों, वेलुपिल्ले प्रभाकरण, ठीक है, प्रभाकरण के नाम से ये मशहूर थे लिट्टे अध्यक्ष, LTTE। बच्चों लिट्टे का पूरा नाम क्या है, LTTE, ठीक है। इसका पूरा नाम है क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। बच्चों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यह है लिट्टे। चलिए, और नेहरू जी मानते हैं कि जो जिस देश में है वही उसका देश है ऐसा माना जाए। सही बात है भाई, आज अगर हम जो है पाकिस्तानियों को अगर हमने ये इस्लामिक कंट्री एक इस्लाम राष्ट्र बनाने को दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना लिया है। हमने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष रख कर अपने यहाँ के मुस्लिमों को भी अपने देश की नागरिकता दे चुके हैं, दे रहे हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो ऐसा नेहरू जी ने भी माना है कि जो जिस देश में है वही उसका देश है, ऐसा हम भी लोग माने, ऐसा जो है लंका भी माने। अब देखिए, नेहरू कोटले वाला समझौता और शास्त्री भंडार नायके समझौते, इन सबको अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में नेहरू कोटले, कोटने वाला नहीं बच्चा, ये है कोटले वाला, ये ना जो है ना ये है ये अल्लाह कोटले वाला, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में। तो ये समझौतों से खास करके नागरिकता के प्रश्न पर कोई समझौता हो नहीं पाया। जो समझौता दोनों के बीच में हुआ भी बाद में श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब तमिलों की सुरक्षा का, तमिलों के हितों का कोई जो है अस्थायी तो हल नहीं निकला, ठीक है। और श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के अधिकारों का हनन लगातार जारी रहा। श्रीलंका सरकार के विरुद्ध तमिलों का जो है खूनी संघर्ष, लिट्टे का खूनी संघर्ष भी जारी रहा। इसीलिए लिट्टे संगठन आतंकवादी संगठन जो है ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो गया, ठीक है बच्चों। और 1987 में भारतीय शांति सेना का प्रयास किया था श्री राजीव गांधी ने, लेकिन स्थिति बेहद दुखद थी क्योंकि तमिलों को भी लगा कि अब हमारे साथ भेदभाव, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री, हमारे हितैषी कहे जाने वाले फिर राजीव गांधी जी अब हमारे हितों का जो है हितों की अनदेखी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। जिसके परिणाम में 1991 में लिट्टे द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, मानव बम का प्रयोग करके, एक महिला का प्रयोग करके शरीर में बम बांधकर मंच पर जाकर संपूर्ण मंच को उड़ा दिया गया। और वर्तमान समय में दोनों देशों के संबंध सामान्य बने हुए हैं बच्चों। फिलहाल अभी हाल में ही कुछ दिन पहले शायद लिट्टे भी जो है प्रभाकरण की शायद मृत्यु की खबर छपी हुई थी, क्या सत्य है क्या गलत है मालूम नहीं हमें, लेकिन फिर भी
लिट्टी भी आजकल बिल्कुल सामान्य तौर पर फांते ही बना हुआ है, हो सकता है उनकी मृत्यु हो चुकी हो। चलिए फिलहाल वर्तमान समय में दोनों के बीच में लगातार सामान्य ही बना हुआ है, ईश्वर करें ऐसे ही सामान्य बना रहे, सबके हितों सबके हित जो है बराबर बने रहें। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, आगे आप लोग अगले चैप्टर में हम लोग फिर पढ़ेंगे विप्लव प्रतिविप्लव उदाहरण और विस्तार। चलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।